हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। जैसा कि आप सभी को बताया गया था, 2020 के नेट या जेआरएफ के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कराई जा रही है, जिसके वीडियोज़ भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा बात करें सेकेंड पेपर की, जो कि है सोशियोलॉजी, जिससे आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें आपको दिसंबर से रिलेटेड वीडियोस और दिसंबर से पहले की वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे वीडियोस देखने हैं, उनसे नोट्स बनाने हैं और पढ़ना स्टार्ट करना है। इसके अलावा सोशियोलॉजी के न्यू वीडियोज़ भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। न्यू वीडियोज़ को देख कर आप पुराने वीडियोज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि सिलेबस जो चेंज हुआ था वैसे ही उसी के अनुसार ही वीडियोस भी हैं। तो आपको सारे के सारे वीडियोस देखने हैं। न्यू वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है जो पिछले बार छूट गए थे, जिन्हें नहीं करा पाए थे कवर। इसके अलावा जो दिसंबर का अभी नेट वाला एग्ज़ाम हुआ है, जिस तरीके से सोशियोलॉजी के पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखकर वीडियोस आ रही हैं। तो आपको जितने भी वीडियोस सोशियोलॉजी के पहले के हैं और जो न्यू आ रहे हैं वीडियोस, उन सभी को देखना है, नोट्स बनाना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की, तो संडे संडे वीडियोस आती हैं, आपको भी बताया गया, आपको पता भी होगा। ठीक है, वीकली करंट अफेयर की एक वीडियो आती है। इस वीडियो में हम लोग 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है रन थ्रू फाइल। ठीक है, अब ये क्या है फाइल सिस्टम, ये है क्या? हरियाणा सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने और विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा रन थ्रू फाइल प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, तो किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने की है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली यानी CFMS के माध्यम से रन थ्रू फाइल्स प्रणाली का प्रावधान किया गया है, और इसकी निगरानी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, CFMS के अंतर्गत एक फाइल को केवल मुख्यमंत्री ही रन थ्रू फाइल के रूप में चिन्हित कर सकता है, और इस सिस्टम का मुख्य बात इस बात पर जोर दिया गया है कि जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं इनको क्लियर करने में विभागीय प्राथमिकताओं और विरोधाभासों के कारण विलंब या फिर नुकसान ना हो। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर RTF के रूप में भी चिन्हित कर क्लियर किया जाएगा, और इन फाइलों की आवाजाही और फाइल को क्लियर करने में लगने वाले समय की मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी समीक्षा की जाएगी। केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली की बात करें तो केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट और ट्रैकिंग सूचना प्रणाली यानी CFSM हरियाणा सरकार की एक पहल है। यह वेब आधारित प्रणाली है जो सभी सरकारी कार्यकालों में फाइलों की आवाजाही पर नज़र रखने पर आधारित है। ठीक है, इसके लाभ के बारे में बात करें तो इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं तीव्रता आ सकती आएगी, सरकारी कार्यों एवं योजनाओं का सही एवं समय पर क्रियान्वयन संभव हो सकेगा, लोगों का शासन व्यवस्था एवं सरकार में विश्वास बढ़ेगा तथा सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में आसानी होगी, ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा ई गवर्नेंस होता क्या है। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, और पूरा क्या हम ई गवर्नेंस के अर्थ की बात करें तो किसी भी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो बात है आपके लिए, सोशियोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ये है उड़ीसा की जनजातियाँ। ठीक है, उड़ीसा की जनजातियाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का सही से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जुआंग जनजाति और दूसरी है पुड़ी भुइयां जैसी जनजाति सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, जुआंग जनजाति की बात करें तो जुआंग उड़ीसा के 13 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों में से एक है।
ठीक है, जुआंग जनजाति मुंडा भाषा की एक बोली जुंगा बोलती है। ये अपने त्यौहार और विवाह समारोह में चुंगु नृत्य का आयोजन करते हैं। जुआंग जनजाति के बीच कम उम्र में शादी का प्रचलन है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इतना जुआंग जनजाति के बारे में आप लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें पुड़ी भुइया जनजाति, तो पुड़ी भुइया ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध भुइया जनजाति का एक प्रमुख वर्ग है। यह जनजाति बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। तो आपको ये जो स्टेट्स दिए गए हैं इनको भी याद करना है कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। यह उड़ीसा के 13 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक है। ये स्थानीय उड़िया भाषा बोलते हैं, जिसे अलग तरह से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जनजातियाँ यानी पुड़ी भुइया जनजाति और जुआंग जनजाति, जो कि उड़ीसा की है और जो 13 विशेष रूपों से कमज़ोर मानी गई जनजाति समूह में से एक है, इन दोनों के बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अपनी पहली एलिफेंट कॉलोनी मिली है? तो मध्य प्रदेश को उसकी अपनी पहली एलिफेंट कॉलोनी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन आंध्र प्रदेश में होगा। फ्लेमिंगो एक एक तरीके का पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो बिपिन रावत जी को जो है नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये देश के पहले हैं। ठीक है, CDS देश के पहले हैं। अब ये क्या है, सैन्य मामलों में जो सैन्य मामलों में सरकार के प्रधान सलाहकार तथा थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में बेहतर समन्वय करने के लिए ये करने का जो काम है ये CDS का होगा। ठीक है, और ये पहले हैं बिपिन रावत। नेक्स्ट बात करें, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई है? तो मिजोरम में देखी गई है। फ्रेंड्स, ISFR रिपोर्ट से रिलेटेड एक अलग वीडियो आई है, तो उसे आप अच्छे से देखें। ठीक है, उसमें अच्छे से बताया गया है और एनवायरनमेंट से जुड़ा है, तो आपके फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चंस आना, तो इसे मिस मत करिएगा। नेक्स्ट बात करें, नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2019 जारी किया गया है, इसमें समग्र सूचकांक के अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स जो 2019 की रिपोर्ट है इसके लिए भी अलग से वीडियो है जो कि आ चुकी है पहले ही, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किन राज्य को अगले 6 महीनों में आफ्सपा के तहत अशांत स्थान घोषित किया गया है? तो नागालैंड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा पॉस्को एक्ट से संबंधित मामलों के लिए 28 नए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल द्वारा ये ऐसा किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर SDG के बारे में बात कर ले, तो आप लोगों को बताया गया था उस इंडेक्स में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो केरल की भी फर्स्ट रैंक आई थी, पिछले बार भी केरल था। और जो ये क्या कह सकते हैं, ये दूसरा इसका नीति आयोग द्वारा जारी किया गया SDG का दूसरा संस्करण था, जो वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, पहले से आई हुई है, उसे अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। फर्स्ट रैंक केरल की थी, 70 नंबर थे इसके, 70 नंबर पर था। ठीक है, 70 अंक के साथ था केरल फर्स्ट पर। सेकंड की बात करें हम, तो हिमाचल प्रदेश था 69 नंबर्स को लेकर, हिमाचल प्रदेश की सेकंड रैंक आई थी। थर्ड रैंक में आए थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु 67 नंबर्स के साथ। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ये थर्ड रैंक पर थे। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका केरल, 70 नंबर्स थे और हिमाचल प्रदेश 69 नंबर्स के साथ सेकेंड रैंक पर था। ठीक है, आगे आपको केरल वाला बताई दिया है। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा इम्पोर्टिन 11 नामक प्रोटीन की पहचान की गई है, यह किस बीमारी से संबंधित है? तो यह कैंसर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली और दूसरी तिमाही के लिए जारी सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, अभी जल्दी ही आई है अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो इंदौर था। नेक्स्ट है, संतुष्ट नामक पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, श्रम एंड रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। अगर हम यहाँ बात करें जो ये पहली और तिमाही दूसरी तिमाही में जो जारी की गई रिपोर्ट थी स्वच्छ सर्वेक्षण वाली, ठीक है, 2020 की, तो शीर्ष पर जो था इंदौर था। और 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले
शहरों में देखा गया था तो इंदौर था, ठीक है, फर्स्ट रैंक पर। और प्रथम तिमाही में अगर हम बात करें, ठीक है, प्रथम या पहली तिमाही में बात करें सेकेंड रैंक की, तो भोपाल की आई थी, ठीक है, सेकेंड रैंक जो है आई थी भोपाल की प्रथम तिमाही में। द्वितीय तिमाही में सेकेंड रैंक आई थी राजकोट की, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना पहली और दूसरी तिमाही, तो इंदौर आई है, ठीक है। पहली तिमाही पर अगर हम सेकेंड रैंक की बात करें तो कौन है, भोपाल है। दूसरी तिमाही की अगर हम बात करें तो राजकोट सेकेंड नंबर पर आया है, सेकेंड रैंक है, ठीक है। प्रथम तिमाही की अगर हम बात करें तो सूरत है थर्ड रैंक पर, ठीक है, प्रथम तिमाही की बात करें तो सूरत है थर्ड रैंक पर। और द्वितीय तिमाही की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नवी मुंबई की रैंक आई है थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इधर नहीं समझ में आ रहा है और इसमें तो फिर भी एक बताया गया है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोगों को देखना है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण करके 2020 की एक रिपोर्ट है, आपको देखना है, आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के प्रसिद्ध मुकबरा चौक का नाम बदलकर शहीद विक्रम बत्रा चौक करने का निर्णय लिया गया है। शहीद विक्रम बत्रा का संबंध किससे है, तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है, ठीक है। किसने जलवायु संकट से निपटने के लिए अर्थ शॉर्ट प्राइस नामक प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की है, तो कैम्ब्रिज के शासक प्रिंस विलियम ने ये घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए, और ये जो प्राइस है इसकी, इससे जुड़ा हुआ जो अगर हम बात करें तो ये हर प्रत्येक साल में 5 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ये जो पुरस्कार है, ठीक है, अर्थशॉट प्राइस जो पुरस्कार है, ठीक है, ये हर साल 5 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और इसकी घोषणा कैम्ब्रिज के शासक प्रिंस विलियम ने की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वीमेन पहल लॉन्च की है, तो महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो नर्स और मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, किसके रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो है नर्स और मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की 13 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से कौन सी जनजाति चर्चा का विषय रही है, तो आप लोगों को बताया जा चुका है, जुआंग और पुड़ी भुइया जनजाति है। नेक्स्ट है, सरकारी फाइलों व विभिन्न विभागों के कार्यों में तेजी लाने के लिए किस राज्य ने रन थ्रू फाइल की शुरुआत की है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।